गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है क्या कि जब भी कभी कोई हम घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका एक नक्शा पास कराना होता है। पता है कि नहीं पता आपको? ठीक है, कि जब भी कभी कोई बिल्डिंग बनानी हो, घर बनाना हो, ठीक है, कोई ऑफिस बनाना हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हो आपको, तो आपको पहले एक नक्शा बनाना पड़ता है और उसके लिए एक्सपर्ट व्यक्ति होता है एक आर्किटेक्ट होता है जो आपको बताएगा कि भाई ऐसी दीवारें खड़ी होंगी, ऐसे पिलर्स लगेंगे इसमें। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करता है, फिर बिल्डिंग बनती है, घर बनता है। ठीक है ना, जैसे हम सोचते हैं ना कि इतना आराम से कोई ईंट की दीवारें खड़ी कर दी घर, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत टेक्निकल काम होता है, अंदर नींव डलती है, पहले गड्ढा खोदेगा, नींव डलेगी, फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है वो नींव डलने के बाद फिर पिलर्स खड़े होंगे, फिर दीवारें लगेंगी, दरवाजे लगेंगे और घर बनता है। तो पहले एक नक्शा पास होता है, ठीक है ना, उसके बाद उस नक्शे के आधार पर जो है काम चल रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी का भी आप 90% से अधिक कंस्ट्रक्शन जो हो रहे होते हैं, आप उनका नक्शा देखेंगे और फाइनल आउटकम देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि नक्शे के बाद जब काम शुरू होता है फिर आदमी को नीड बदलती है, होता नहीं एक काम करते दरवाजा इसका यहाँ ना लगा के दरवाजा इसका यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इस कमरे को इसमें मैं मर्ज कर देते हैं, ये वाला कमरा बड़ा कर लेते हैं, ये वाला कमरा छोटा कर लेते हैं, इसको स्टडी रूम, ऐसे करके आदमी मैनेज करता है, ठीक है, और फाइनली एक घर बनता है। आप बोलोगे सुबह सुबह जो है आप ये घर बनाने के बारे में और नक्शे के बारे में बात क्यों कर रहे हो, क्या हाँ सर कहेंगे बंगला बनाने वाले हो? नहीं बेटा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहले नक्शा बनता है, नक्शे के हिसाब से काम होना शुरू होता है कि भाई अंत में ये कैसा दिखाई पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, एक टाइम फ्रेम को दिमाग में लेकर। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जीवन में, लाइफ में कुछ भी अचीव करना होता है ना तो यू शुड हैव ए प्लान, आपके पास एक नक्शा होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम सभी लोग सोचते हैं कि हमको नीट का या IIT का या कोई दूसरा एग्जाम निकालना है या हमें जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है, पर वी डोंट हैव एनी प्लान, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, कोई नक्शा नहीं होता है। हम जैसा, अब आप सोचो एक मकान ऐसा बन रहा है, आप कल्पना कीजिए एक बड़ा सा प्लॉट है, उस पर अब मकान कोई नक्शा नहीं है। एक काम करते हैं, यहां से नींव खोद लेते हैं, नींव खोद ली, नींव भरा गई, अब एक काम करते हैं यहां पिलर लगा देते हैं, ठीक है, पिलर लगने के बाद अब क्या करें, इसको क्या कमरा बना दें? हाँ नहीं, कमरा बना देते, चलो कमरा बना दिया इसको, अब अगला क्या करना है? तो हर बार एक कंफ्यूजन होगा और वो आपके दिमाग में कुछ क्लियर ही नहीं है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो कभी वो कमरा दिखेगा आपको, कभी बाथरूम दिखाई पड़ेगा, कभी किचन दिखाई पड़ेगा, आपको इमेजिन करने में फिर कोई आके सलाह देगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, इसको ऐसे कर दो, अच्छा ठीक है ऐसे करते, फिर तीसरा आके बोलेगा नहीं भाई ये वास्तु के हिसाब से गलत है, इसको तुमने गलत कर दिया है ना, ये अच्छा नहीं रहेगा घर रहने वालों के लिए, अच्छा तोड़ दो उसको। तो आप पूरा दिमाग आपका जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा, नो डाउट कुछ ना कुछ बनेगा, समय लगेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे और आउटकम क्या होगा आपको नहीं मालूम। दिस इज द थिंग दैट हैपेंस विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने कहा मुझे नीट निकालना, IIT निकालना, फला एग्जाम निकालना, तो आई हैव दिस टाइप ऑफ टाइम फ्रेम, अब कुछ टाइम फ्रेम नहीं है। अब क्या हो रहा है कि हम अनंत काल तक एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि हमने पहले के समय को सही से यूज नहीं किया, और हमें अटेम्प्ट केवल नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने से एग्जाम नहीं निकलते हैं, हर अटेम्प्ट में कितनी सिंसियरिटी, कितना डेप्थ में आपने पढ़ाई की उससे एग्जाम निकलता है। तो एक बात याद रखो कि हमेशा जो है अंत को ध्यान में रखकर कुछ भी शुरू करना है तो अंत को ध्यान में रखो कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट टू अचीव, अंत में तुम अचीव क्या करना चाहते हो, और उसके लिए तो आप बस प्लान क्या है, यू हैव दैट काइंड ऑफ प्लान, उसके बाद तुम आगे क्या बढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कई बार क्या होता है, कई बार है ना, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि यदि नक्शा होगा तो आपके पास कन्फ्यूजन कम होगा, नक्शा होगा तो आप उस पर काम करोगे और फिर मामूली फेरबदल कर आप मनचाही चीज को बना लोगे आप, लेकिन नक्शा नहीं होगा तो आपको बहुत लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, कई सलाह सही मिलेंगी, कई गलत मिलेंगी, और आप कन्फ्यूज रहोगे हमेशा, क्या चाह रहे थे आप, आपको पता ही नहीं है। जब तक अपने चाहने की चीज़ नहीं पता है तब तक हमको उसके मिलने पर खुशी नहीं हो सकती है, मतलब जिस चीज को आप चाह रहे हो यदि वो नहीं मिलेगी
तो दुख होगा, मिलेगी तो खुशी होगी, लेकिन कुछ चाह ही नहीं रहे, कुछ पता ही नहीं हमको, तो ना हमें खुशी हो रही ना दुख हो रहा हमको, जिंदगी चल रही घिसट रही जिंदगी के। तो मैं वही बोलता हूं आपसे कि जब भी कभी, इसलिए एक मानसिक तस्वीर को तैयार करना बहुत जरूरी है, एक मेंटल इमेज कि हम अगले 3 साल में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं हर बार एक बात बोलता हूं और ये मतलब इस मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में मैं हमेशा आपसे कहता हूं, बेटा जब तक हमको ये पता नहीं होगा ना कि हमारी मंजिल क्या है, तब तक हमारे कदम जो है ना वो रैंडम जाएंगे। वो आपको पता है कि आपको ये हासिल करना है 2024 में, आपको ये हासिल करना है 2025 में हासिल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाइए गया, क्यों नहीं मिलेगा, दूसरों को मिल रहा है आपको मिलेगा, तो कुछ भी अलग नहीं है, सब वही है, सारा कुछ जो है वो है एनर्जी को चैनलाइज करने का कार्यक्रम है, कि ऊर्जा को एकत्र करके कहां लगाया आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जब लाइफ लॉन्ग आप, और मैं कहता हूं आपसे रास्ते में बहुत सारे, जब आप किसी बड़े सफर पर निकलते हैं, किसी पर्पस को लेकर निकलते हैं, बहुत लालच आते हैं, बहुत सारे आपको लालच आते हैं, और उन लालच में कई बार आदमी जो है वो अपने पथ से डेविएट भी हो जाता है। मेरे को भी हाल ही में जो है वो एक ग्रुप ऑफ टीचर्स ने, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, सम्मानित ग्रुप ऑफ टीचर्स ने मुझे अप्रोच किया, और वो ग्रुप ऑफ टीचर जो है वो उन्होंने अभी हाल ही में जो है एक बड़ा, आपको पता होगा कि एक अनेक आदमी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत हल्ला मचाया, जिस उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, तो वो वहाँ से कई लोग अभी सडनली बहुत सारे लोग छोड़ दिए वहाँ से, शायद से उन लोगों ने एक पॉलिसी लाया क्या कि जिन जिन टीचर्स का अपना अपना यूट्यूब चैनल है वो सारे यूट्यूब चैनल को बंद करो, हमारे यहीं पढ़ा पाओगे सिर्फ आप। ठीक है, एक पॉलिसी, जबकि उन्होंने उन लोगों को यूट्यूब चैनल से ही लिया था, तो टेक्निकली वो पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकती है। तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि सर कुछ कर सकते हैं इनके साथ में, तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि बायोमेंटर्स जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है ही नहीं है कि जहाँ पर आप अचानक से अंदर आए, अचानक से बाहर, मतलब एक सिस्टम है, यहाँ पे एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कभी भी जो है वो जो होता ना कि हमारा हाई वैल्यूएशन हो, हमारा बड़ा मार्केट हो, बड़ा हल्ला हो, कभी देखेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चे को देखा हमने। ठीक है, जब भी कभी हम जाते हैं तो हम देखते हैं किसी विलेज में जाते हैं, देखते हैं बच्चों को, देखते हैं उन बच्चों को की तकलीफों को समझते हैं, तो हमने अपने पथ से कभी डेविएट नहीं, क्योंकि हमने इसको मतलब दिस मे बी ए फेल्ड बिजनेस मॉडल कह सकते हो कि ये बहुत, जैसे हमारे साथ में वाले लोग बहुत आगे निकल गए पर हम लोग उतना आगे नहीं निकले, क्योंकि हमारा गोल क्लियर है, हमारा गोल एकदम क्लियर है कि हम लोग जो है उस चूहा दौड़ का हिस्सा है ही नहीं है, हम लोग परिवर्तन का हिस्सा है। परिवर्तन में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा कुछ ना हो आपके पास, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपके अपने मूलभूत फंडामेंटल वैल्यूज पे होगा। हमें कभी YouTube चैनल पर जाकर कभी रोना नहीं पड़ा, हमें कभी किसी के बारे में कुछ, मतलब हमको जरूरत नहीं पड़ी उन चीज़ों की, क्योंकि हमने अपने वजूद पर, अपने अपने आप पर यकीन रखा, हमने उस पर मेहनत किया लगातार। हो सकता है हम बहुत छोटे हों, लेकिन जैसे भी हम अपने दम पर हैं, आंधी आए, तूफान आए, चाहे जलजला आए, जो हमारा कद था वो वैसा रहेगा। जड़ें बहुत गहरी हैं, ऊपर ग्रोथ कम दिखाई पड़ेगी लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं। तो मैं वही कहता हूँ, जीवन में उसूल का होना बहुत जरूरी है। यानी आप कभी भी लाइफ में कुछ, अब मैं कहता हूँ हर आदमी को, मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि आप इस बात को आज गांठ बांधे, हर आदमी को अपने जीवन में 3 कोई उसूल बनाना चाहिए। 3 उसूल का मतलब 3 ऐसे नियम जिसको वो अपने जीवन में कभी डेविएट नहीं करेगा। 3 उसूल बना लीजिए आप और उसूलों वाले आदमी बन जाइए। उन 3 उसूलों को आप जीवन पर्यंत यानी मरते दम तक आप नहीं छोड़ेंगे, ये प्रण कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आप दुनिया में अलग दिखाई पड़ेंगे। सारा खेल, इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ लोग अब तक जन्म ले चुके जा चुके, सारा खेल इस बात का कि कौन बात वाला आदमी था, कौन उसूल वाला आदमी था, किस व्यक्ति ने जो है वो तमाम हवाओं के सामने भी जो है वो नहीं झुका, कौन सा व्यक्ति जो है वो खड़ा रहा अडिग, अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहा, दुनिया लेफ्ट और राइट होती रही, वो कर्तव्य पथ पर चलता रहा और एक दिन दुनिया ने इकट्ठा होकर उसको ही सलाम किया। ये सच्ची बात है, कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। 3 उसूल बनाओ अपने जिंदगी के और उन पर अडिग रहो। उसूल ऐसे होना चाहिए दे डू नॉट हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट ना करते हो, ठीक है, गलत पर्पस की तरफ ना जाते हो, ठीक है, डू नॉट हर्ट यूर सेल्फ, डू नॉट हर्ट अदर्स, ठीक है, एंड डू नॉट हैव बैड इंटेंशंस। अब 3 उसूल बनाइए,
और फोकस कीजिए अपनी ऊर्जा को, अपने फ्यूल को, अपने अंदर की ज्वाला को। अरे आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए कि आपसे कोई मिले ना तो आपके पास एक ऑरा होना चाहिए कि आदमी आपसे जब मिलता है ना, एक कई लोगों के आसपास एक ऑरा होता है, सच बोल रहा हूँ मैं, कई लोगों से आप मिलोगे ना आपको एक वार्म तो एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी आपको। और ये ऑरा जो होता है ना वो आपके आपके इनर पीस से और आपकी अचीवमेंट से होता है। ऑरा जब भी व्यक्ति उस ऑरा के अंदर आएगा ना तो वो सरेंडर हो जाएगा आदमी। और हम सब लोग ऊर्जा का एक अपने आसपास एक ऊर्जा चक्र तैयार करते हैं। आप पढ़ना कभी, गूगल करना, आप मिलेगा। हर आदमी के आसपास एक ऊर्जा चक्र होता है। कभी भगवान की तस्वीर देखिए, ईश्वर की तस्वीर में सिर के आसपास आपको एक सन समान दिखाई पड़ता है। कभी देखा भगवान राम की देखिए, कृष्ण की देखिए, किसी भी ईश्वर की तस्वीर देखिए, आपको उनके सिर के पास एक उजियारा या एक सन के समान इमेज में दिखाई पड़ेगा, वो होता है ऑरा। हर आदमी के पास होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है। और ज्यादा होने के लिए आपको अंदर से प्योर होना बहुत जरूरी है। आपको उठ के आपके अंदर प्योरिटी होना चाहिए, आपके अंदर आपके इंटेंशन से होना चाहिए। आपका जब भी ऊर्जा का तार बाहर निकलता है वो पॉजिटिव निकलना चाहिए बाहर। हो देखो आप, लोग आएंगे खुद सरेंडर करेंगे। मेरे को एक मेरे मित्र हैं, वो सीनियर आईएएस अफसर है, उन्होंने बताया कि कई बार वो पीएससी के इंटरव्यू में लोग बैठते हैं, वो लोग है ना, वो छोटे एग्जाम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं पीएससी में यूपीएससी में कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सारे उत्तर सही नहीं देते, कई उत्तर उनके गलत भी होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी प्लीजेंट होती है, ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि जब वो हॉल में एंटर करते हैं इंटरव्यू के लिए तो उनके वो मुस्कुरा के आपके आंसर नहीं बना, उसको आंसर को मना भी कर देंगे, एकदम पॉजिटिव रहेंगे। उनका एक पॉजिटिवनेस जो होती है ना वो उनको नंबर 20 नंबर ज़्यादा दिलवाती है। कई लोग बहुत होशियार आते होते हैं, बहुत कुछ पूछा झट आंसर कर दिया, लेकिन उनके पास वो ऑरा मिसिंग है। और ये ऑरा को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये लोग आपसे मिलेंगे और वो परसीव करके महसूस करेंगे वो आपके बारे में। बनता कैसे मैंने आपको बताया, 3 उसूल बनाइए, उसूलों पर डिग रहिए, इनर प्योरिटी पर ध्यान दीजिए, फाउंडेशन फंडामेंटल को मजबूत कीजिए, नक्शा बनाइए, मानसिक मैप बनाइए, कब अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, क्यों नहीं हो, सब कुछ आपके अनुसार हो। चलिए तो आज के दिन की बढ़िया पॉजिटिव शुरुआत कीजिएगा, जितना बेस्ट हो वो देने की कोशिश कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।